अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग भाई, आप सभी का एक नई वीडियो में वेलकम बैक है। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है जो लोग जाना चाहते थे कनाडा, और कनाडा जाने के लिए किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को फाइन कर रहे थे। वो भाई ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट एजेंट हमें मिल जाए, कोई एजेंसी मिल जाए, कोई रिक्वायरमेंट एजेंसी हमें मिल जाए और हम उसके थ्रू अपना कनाडा का वर्क वीज़ा ले लें और भाई हमारे साथ स्कैम ना हो। क्योंकि कनाडा जाने के लिए अगर भाई अभी आज की डेट में आप किसी एजेंट को अपना पासपोर्ट देते हो या पैसा देते हो, तो हर एक बंदे के भाई माइंड में ये रहता है कि कहीं हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में भाई मैं जो एजेंट आपको बताने वाला हूँ, जो एजेंसी बताने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी एजेंसी है, काफ़ी ट्रस्टेड एजेंसी है और काफ़ी अलग अलग तरह की जॉब एजेंसी जिनके पास अवेलेबल है। तो कनाडा के लिए देखिए भाई अलग अलग तरह के प्रोग्राम ओपन हुए हैं, अलग अलग के वीज़ा इशू किए हुए कनाडियन गवर्नमेंट ने। बजट में सबसे जो मोस्ट पॉपुलर फेमस वीज़ा होता है वो टेम्पररी फॉरन वर्कर प्रोग्राम के वीज़ा ही होता है, और इसके अंदर जो आपको LMI लेना पड़ता है। तो जो एजेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो एजेंसी आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इनके पास भाई LMI आए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इनके यहाँ पर जाना है, अपना बातचीत करनी है फेस टू फेस, और जितने भाई ये वीज़ा का चार्ज लेंगे, जितना भी कॉस्ट लेंगे आपसे वीज़ा का, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली इनसे मीटिंग करके ले सकते हैं, डायरेक्टली ऑफिस में विजिट करके ले सकते हैं। तो अगर कनाडा आपको विदाउट एनी एजेंट जाना है, उसका भी एक प्रोसेस है, और उसका जो प्रोसेस है उसको जानने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा बताऊंगा आपको किस तरह भी आप विदाउट एनी एजेंट भी कनाडा मूव हो सकते हो। बट आज की जो वीडियो है स्पेशली उन सभी लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एजेंट के थ्रू कनाडा जाना चाहते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कनाडा अगर आप लोग मूव हो जाते हैं तो सैलरी तो वहाँ पर अच्छी मिलती है, आपको 3 से 4 लाख रुपये मिल जाएगी। बट अभी कनाडा अगर आप लोग जा रहे हो तो वहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लाइक अगर आपका इंटरनेट का खर्च आपकी सैलरी में से जाएगा, आपका रहने का, खाने का, पीने का, वो मोस्टली आपकी सैलरी में से जाएगा क्योंकि कंपनी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो चलिए पहले मैं आपको एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बताता हूँ, इसका नाम बताता हूँ, इनके कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, और आप इनसे डायरेक्टली बातचीत करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी कनाडा कंट्री के बारे में। तो दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, और इस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का जो नाम है वो है वीज़ा मिंट ओवरसीज सर्विसेज। काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, काफ़ी ट्रस्टेड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है और काफ़ी पुरानी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है। इस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। ये जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, प्रोसेस करती है कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए यानी USA के लिए। तो अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप इनके यहाँ से प्रोसेस करवा सकते हैं। उसके बाद ये न्यूजीलैंड के लिए प्रोसेस करते हैं, न्यूजीलैंड आपको जाना है तो आप इनके यहाँ से प्रोसेस करवा सकते हैं। और उसके बाद यूरोप कंट्रीज़ के लिए भी वर्क वीज़ा प्रोसेस करते हैं, एंड UK के लिए भी आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए कनाडा के लिए जो है ये विज़िटर वीज़ा भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। विज़िटर वीज़ा अगर आपको कनाडा का लेना है वो मिल जाएगा, स्टूडेंट अगर वीज़ा आपको लेना है कनाडा का वो मिल जाएगा, और इसके अलावा जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्क वीज़ा FSTP वर्क वीज़ा, यानी जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि जो कनाडा का ये टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम होता है उसके अंदर भी आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड करा देंगे। बिजनेस वीज़ा ही मिलता है इनके यहाँ पर, कनाडा का बिजनेस वीज़ा भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एंड PR अगर आपको लेना है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, तो आपको ये PR भी प्रोवाइड करा देंगे कनाडा का। तो काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, और अगर आपका भी ड्रीम है कनाडा जाने का तो इनके यहाँ से आप वर्क वीज़ा ले सकते हो। देखिए काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है। तो अगर भाई आपको इनके यहाँ पर डायरेक्टली विज़िट करना है तो आप जो है इस एड्रेस पर जाएंगे, आपको मैं एड्रेस दिखा देता हूँ इनके ऑफिस का एड्रेस क्या है। यह इनके ऑफिस का एड्रेस, हैदराबाद में इनका ऑफिस है ये, और डायरेक्टली आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और आप जो है मालूम कर सकते हैं इनसे, अगर आप तेलंगाना नहीं जाना चाहते, हैदराबाद नहीं जाना चाहते जहाँ पर इनका ऑफिस है, तो आप जो है मालूम कीजिएगा कि आपकी कोई ब्रांच दिल्ली में या मुंबई में है या नहीं है, तो डायरेक्टली कॉल पर बात कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी आप कॉल पर बात करेंगे आप ये नहीं बोलेंगे कि आपने मेरी वीडियो देखी है, आप जो है डायरेक्टली ख़ुद से बात कीजिएगा कि आप कनाडा का वर्क वीज़ा दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते हैं। इस तरह से आपको डायरेक्टली ख़ुद से ही बात कर लेनी है। बाकी जो है आप इनसे एक चीज़ ज़रूर मालूम करेंगे, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे कनाडा का,
आपको ये मालूम करना है कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी और इसके अलावा कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराएगी या नहीं कराएगी, और कितने दिनों में आपको कनाडा का वर्क वीज़ा ये प्रोवाइड करा देंगे। ये दो तीन चीज़ आपको ज़रूर मालूम करनी है। और इसके अलावा भाई कौन कौन सी जॉब इनके पास अवेलेबल है, कौन सा वीज़ा आपको दिलवाएंगे, कितना चार्ज लेंगे, कितना सर्विस चार्ज लेंगे, वो सारी डिटेल्स भी आपको मालूम कर लेनी है। और आपको जो है किस कंपनी में जॉब मिलेगी, किस सिटी में जॉब मिलेगी कनाडा के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको मालूम कर लेनी है। बाकी जो आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं डायरेक्टली इनके कॉलिंग नंबर पर आप बात कर लीजिएगा, इनका कॉलिंग नंबर है, आप डायरेक्टली बात कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए और कौन कौन सी जॉब्स इनके पास अभी अवेलेबल है करंट में, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको ले लेनी है। बाकी आप जो है अगर CV कवर लेटर वगैरह बनवाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर SMS कर देना, काफ़ी कम चार्ज में आपका रेडी हो जाएगा। या फिर किसी कंपनी ने, किसी एम्प्लॉय ने आपको कोई जॉब ऑफर लेटर सेंड किया, आप उसको वेरीफाई करवाना चाहते हो, व्हाट्सएप पर SMS ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी कम चार्ज में आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो मैंने आपको बताई है, वीज़ा मिंट इस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का नाम है, वीज़ा मिंट ओवरसिया सर्विसेज। इस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू आपको कनाडा का वर्क वीज़ा मिल जाएगा, बट आप जो है डायरेक्टली इनसे इनके ऑफिस में जाकर मीटिंग ज़रूर कीजिएगा एक बार, तभी आपको वीज़ा अप्लाई करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बताई है, ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, आप इनके थ्रू भी अपना कनाडा का वर्क वीज़ा लगवा सकते हो। जितने भी आपसे टोटल चार्ज लेंगे वो आप इनसे डायरेक्टली बात करके ले इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, डायरेक्टली कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या इसके अलावा डायरेक्टली आप इनके ऑफिस में विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो कनाडा जाने के लिए देखिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में विजिट ज़रूर कीजिएगा। और कनाडा जाने के लिए भाई अगर आपने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि कनाडा जाने के लिए एजुकेशन भी मैटर करता है। अगर आपकी भाई एजुकेशन 10th पास है, 12th पास है और साथ ही साथ आपने ये आईलेट्स किया हुआ है, इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, तो आपके जो चांसेस है वीज़ा लगने के भाई 100% हो जाते हैं। बाकी इम्प्लॉयमेंट एजेंसी ठीक ठाक है ये, बट एक चीज़ मैं सभी इम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ, जितनी भी इम्प्लॉयमेंट एजेंसी हो, ठीक है, चाहे ये इम्प्लॉयमेंट एजेंसी, चाहे कोई सी भी इम्प्लॉयमेंट एजेंसी हो, कभी भी आप किसी भी इम्प्लॉयमेंट एजेंसी के थ्रू अपना भाई वीज़ा लगवाओ तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि पहला तो ये कोई अमाउंट पहले आपको पे नहीं करना है, और दूसरा ये कि कभी भी आप किसी भी इम्प्लॉयमेंट एजेंसी में विजिट करो तो उनका लाइसेंस नंबर ज़रूर देखो, एंड दूसरा ये कि उनका बैकग्राउंड मालूम करो कि भाई किस किस बंदे का आपने वीज़ा लगवाया है, उनका हमें डिटेल्स दो, और कितने दिनों में वीज़ा लगा था, कोई स्कैम वगैरह तो उनके साथ में हुई, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर मालूम करनी है इम्प्लॉयमेंट एजेंसी में जाके, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में आपको रखना ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर भाई किसी इम्प्लॉयमेंट एजेंसी ने आपको कोई जॉब ऑफर लेटर दिया है, वीज़ा दिया है, आप उसको वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर SMS कर सकते हैं, काफ़ी कम चार्ज में आपका जॉब ऑफर लेटर वीज़ा वेरीफाई हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।